जय हिंद। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे VRO ग्रेव सेंटर में मेडिकल टेस्ट में आपका जो हाइड्रोशील है, यदि उसको आप ऑपरेट करा के जाते हैं, लाइक आप 2 मंथ पहले या 10 डेज पहले या आपका 6 मंथ पहले या 4 मंथ पहले, बिकॉज आपका जो मेंशन है नोटिफिकेशन में वो आपका ऐसा मेंशन है 1 साल पहले का आपका क्या होना चाहिए, वो ऑपरेट होना चाहिए। बट आपने 6 महीने पहले कराया है, 4 महीने या 2 महीने या 10 दिन पहले कराया है आप आपने हाइड्रोशील का ऑपरेशन, तो आपका ये कमेंट था क्या क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप सबको इस वीडियो के जरिए ये बताने वाला हूँ, यदि आपने ऑपरेशन कराया है तो आप 99% नहीं 100% मान के चलिए क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना आपने पहले करवाया होगा तो आपको जब चेकअप होगा आपका मेडिकल टेस्ट में, वो आपका बाकायदे होता है कि आप पहले आपसे दोनों हाथों में लेकर के चेक कराते हैं और देखने के बाद उसके बाद वो खुद ही चेक करते हैं यदि कोई डाउट होता है तो। और यदि कोई डाउट आता है तो आपको री मेडिकल दिया जाएगा, जैसे आपका लाइक जहाँ पे चीड़ा लगा होगा या आपने जब ऑपरेट कराया होगा, ज़्यादातर कैंडिडेट तो यही है, वो लेजर सर्जरी कराते हैं तो इसमें थोड़ा सा दिखता नहीं है, तो फिट होने के चांसेस आपके 100% श्योर हो जाते हैं। तो आई होप यही आपने भी कराया होगा, बट आपको करना क्या है जो आपको डॉक्टर प्रेफर करे, मींस आप स्पेशलिस्ट को दिखाए होंगे, आपने अभी तक नहीं कराया होगा या आप करवाने जाएंगे तो आपको स्पेशलिस्ट को ही दिखाना है ऑपरेट कराने के लिए, मींस आपका अपना हाइड्रोशील का ऑपरेशन कराने के लिए स्पेशलिस्ट को दिखाना है और उसके बाद ही आपका ऑपरेशन करवाना है। तो ये जहाँ तक हो सके लेजर सर्जरी ही करवाना, जिससे ये होगा कि उसमें आपका चीड़ा फाड़ा ज़्यादा नहीं लगेगा और चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो पहले करवाए हैं तो आपके 99% चांसेस रहे कि आप सेलेक्ट हो सकते हैं, हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपका मींस रीमेडिकल होता है, मींस आपको मेडिकल टेस्ट में अनफिट किया जाता है टेम्परेरी, आपको रीमेडिकल के लिए भेजा जाता है हाइड्रोशील पॉइंट के लिए, तो उसमें आप सबके 90% ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या आप ऐसा कह सकते हैं 50-50 भी हो जाता है कभी कभी। ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है रीमेडिकल कैसा आपका गया है और कैसे डॉक्टर्स रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है जिनका लाइक नहीं होने वाला होता है कि इनका तो होगा ही नहीं, मीन्स रीमेडिकल में क्लियर नहीं हो पाएगा, उनका क्लियर हो जाता है, और जिनका ऐसा लगता है कि नॉर्मल पॉइंट है और उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको मीन्स वो अनफिट हो जाते हैं परमानेंट। तो आप सबको करना क्या है, यदि पहले हो जाए ऑपरेशन तो बहुत ही अच्छी बात होती है, यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं VRO ग्रेव सेंटर के लिए और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए जब इनवाइट किया जाता है या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, तो उससे पहले ही आप सबको करवा लेना है, या हो सके तो 4 महीने पहले ही करवा लेना है। इससे ये होता है हाइड्रोशील में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपका पॉइंट क्लियर भी हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये आती है आप सबका लाइक जैसे बोले थे आप सभी सारे एस्पिरेंट यही बोल रहे थे हमारा सिलेक्शन होगा जब रीमेडिकल होगा, क्या हम अपने रीमेडिकल में हाइड्रोशील का ऑपरेशन करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो भाई ये डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको फिट करता है या नहीं करता ऑपरेशन करवाने के बाद, और ज़्यादातर कैंडिडेट का यही होता है जब रीमेडिकल होता है उसके बाद ऑपरेट कराते हैं अपने हाइड्रोशील का, तो उनका यही हो जाता है कि अनफिट ही होते हैं। तो ओके, जहाँ तक मेरा मानना है और मेरा एक्सपीरियंस है, आप सब पहले ही करा लेंगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा हाइड्रोशील का आपका पॉइंट। ओके, तो अब भी कोई डाउट है आपका हाइड्रोशील पॉइंट को लेकर तो आप सभी कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।